किस डकैत का कुकू खू गया भाई कोको लेगी वोट है वो कोको मरगी वाह कोको था मेरा बेटा कोको मरली बीजेपी आप जीतेगी। जो मैन कारण था एक जिसमें जो लोग एक राकेश टिकैत एक गुरुनाम सिंह चुडनी दो बंद ने लेकर ये मतलब भरम फैला रहे थे भाई एक भी वोट नहीं पड़ेगा बीजेपी का उनके वोट कोको के वोट और बीजेपी का उल्लू कोको ने खाया वोट बीजेपी पड़ गया। किसानों का कुछ असर पड़े? कुछ नहीं असर पड़ा। वो पहले राकेश टिकैत कह रहा था भाई पश्चिम बंगाल में तो सुतरी दवाई दे दी उसकी खुद की सीट तक बीजेपी का जीत रहा है। जो चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी बहुमत से जीत हुई है उसी की खुशी में गांव समैण में कार्यकर्ताओं में और गांव समैण के लोगों में बहुत उत्साह है और उसी की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। जिस तरह चारों राज्यों के अंदर बहुमत से बीजेपी दोबारा जीती है तो क्या लगता है आगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राकेश डकैत का कुकू खू गया भाई कोको लेगी वोट है और कोको मरगी वाह और हमारी पूर्ण मोहम्मद से सरकार बनी इसी खुशी में गांव समैण में बहुत हौसला है इसी के साथ कुछ लड्डू बांटे जा रहे हैं। सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और गांव सभी गांव के सभी समैण के गलियों में लड्डू बांटे जा रहे हैं बहुत ही खुशी का माहौल है। टोन लग रहे हैं डकैत की कहाँ गई आगे आने वाले समय में क्या रहेगा? बीजेपी जीतेगी ये तो बेरे है तो कोको था मेरा बेटा कोको मरली बीजेपी आप जीतेगी जा रहे हैं। लड्डू आज पांच स्टेट जो पांच जो उसमें स्टेट में इलेक्शन था उसमें चार में बीजेपी की जीत हुई है और जो मैन कारण था एक जिसमें जो लोग एक राकेश टिकैत एक गुरुनाम सिंह चुडनी दो बंदे ने लेकर ये मतलब भरम फैला रहे थे भाई एक भी वोट नहीं पड़ेगा बीजेपी का उनके वोट कोको के वोट और बीजेपी का उल्लू कोको ने खाया वोट बीजेपी पड़ गया आज और बड़ी खुशी हम गोलाज मारे हो जितने कार्यकर्ता बीजेपी सब खुश हैं आज। तो आने वाले समय में बीजेपी का क्या रहेगा? ये तो क्लियर है कांग्रेस तो साफ हो ली और कोई लीडर सेंटर में तो है ही नहीं आज ये तो क्लियर है। भारत देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। चार राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है पूरे बहुमत से हम उसकी खुशी में लाटू मंटे हैं। आने वाले समय में बीजेपी की सरकार क्लियर बहुमत के साथ पहले 75 पार दी उसके पार जाएगी। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनी है आपके दम पे हमको बताई। किसानों का कुछ असर पड़े? कुछ नहीं असर पड़ा। वो पहले राकेश टिकैत कह रहा था भाई पश्चिम बंगाल में तो सुतरी दवाई दे दी उसकी खुद की सीट तय बीजेपी का जीत रहा है वहाँ भाई पश्चिम बंगाल में दवाई दिया है जाकर और यहाँ पर खराके भूल गया वो बिरानी कतौड़ बिक गया किसान ना की कोई उसमें बीजेपी में जो असली किसान थे वह अपना काम करने लग रहा है जो खाओ पीर थे वह अपना सारे पूरा प्राण लाग लिए जीतता है कोई नहीं बोलता आज। किसान जो किसानों के कंधे पर दुख दर कर चलाई जा रही है किसान अपना कार्य खेत में करते हैं कुछ लोग हैं जो किसानों के सिर पर राजनीति करते हैं। किसान सहमत है बीजेपी सरकार से क्योंकि हमारे गांव से लगा लो पूरे 7 साल में 272 लड़के लग चुके हैं। भारतीय जनता हमेशा गरीब के साथ रही है किसी को पर्चे लेके किसी के पास नहीं जाना पड़ता। कुछ लोग थे पहले किसी की ट्रांसफर खातर किसी की नौकरी खातर पैसे लेते थे और इधर उधर घूमते थे और उन लोगों को परेशान करते थे। सरकार में कोई कुछ नहीं है जनता ने खुश होकर 4 राज्यों में पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी कराया।